वो तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, अगर पोको फोन F1 या पोको F1 आप चला रहे हैं, तो अब तक आपको मिल चुका होगा 960 FPS वाला फीचर अपने स्मार्टफोन में, बीटा में और शायद स्टेबल में भी अब तक ये आ चुका है। लेकिन ये जो 960 FPS है और साथ में जो नाइट मोड आया है इस कैमरा में, इस फ़ोन के कैमरा में, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक्चुअल में जो 960 FPS है इसका स्लो मोशन, वो एक्चुअल 960 FPS नहीं है, और अगर नहीं है तो वो एक्चुअल में क्या है, कैसे है, उस बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस फ़ोन के नाइट मोड वाले फीचर के बारे में बात करने वाले हैं और इसे कंपेयर करने वाले हैं गूगल कैमरा, जो ऑब्वियसली इसमें कैमरा भी एनेबल्ड है और गूगल कैमरा हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस गूगल कैमरा से हम जो है इसकी नाइट साइड, गूगल की नाइट साइड और इसके नाइट विजन वाले कैमरा को, दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे साइड बाई साइड कैसा परफॉर्म करता है इसका कैमरा। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आज तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। होगा तो आपका ये जो पोको F1 है जिसमें कि आपको 960 FPS का स्लो मोशन मिला है, उसके साथ आपको दो और मिले हैं जो कि 120 FPS और 240 FPS। वो जो FPS है यानी 120 FPS और 240 FPS, वो तो 2 FPS है बिल्कुल एक्चुअल में, उसी फ्रेम रेट पर वीडियो को रिकॉर्ड करता है। लेकिन 960 FPS जो है इस फ़ोन में बिल्कुल एक्चुअल 960 FPS नहीं है, वो मतलब एक मतलब मेथड होता है, टेक्निक होती है, जैसे कि मतलब एक्चुअल में फ़ोन आपका लो फ्रेम रेट या तो वो 240 या फिर 460 या 480 जो FPS होता है उस पर रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बाद उसे थोड़ा और स्लो कर देता है, जिससे कि मतलब ऐसा लगता है कि 960 FPS ये फ़ोन मतलब रिकॉर्ड करता है, और मतलब थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया जिससे ये लगता है 960 FPS। प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर स्लो करके आपको 960 FPS वाले फ्रेम का स्लो मोशन देखने को मिलता है, और इस मेथड, इस टेक्निक को कहते हैं फ्रेम इंटरपोलेशन या फ्रेम रेट इंटरपोलेशन। अब ये जो मतलब इकलौता फ़ोन नहीं है जिसमें आपको ये चीज़ या मेथड देखने को मिलता है, यहाँ पर Xiaomi का Mi Mix 3 भी है जिसमें आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है। आपको अब क्वेश्चन आ रहा होगा मतलब वो तो काफ़ी महंगा फ़ोन है, उसमें तो ये देना चाहिए था, जैसे कि S9 Plus है, Note 9 है, उसमें तो मतलब 960 FPS ट्रू 960 FPS पर रिकॉर्ड करता है स्लो मोशन में, काफ़ी अच्छे स्लो मोशन वीडियोस देता है। तो उसे मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मेन डिफरेंस जो है वो आता है हार्डवेयर में, और हार्डवेयर में यहाँ पर आता है सेंसर में। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में सोनी के IMX सेंसर यूज़ किए जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स में। यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ पोको F1 को और गैलेक्सी S9 प्लस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पोको F1 में आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX363 सेंसर, और जो नोट 9 है या नोट 9 प्लस है उसमें आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX345 सेंसर। अब इन दोनों सेंसर्स में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि 363 में आपको डी रैम देखने को नहीं मिलती है। अब ये एक नया वर्ड है जिसे कि मतलब आप समझ सकते हैं बहुत सिंपल में। डी रैम आप मान लीजिए फ़ोन के अलग रैम के बाद आपके कैमरा में भी एक रैम है जो कि मतलब आपके फ्रेम रेट्स जो जल्दी जल्दी आते हैं उसे कैप्चर करके रखती है, उसके बाद में आराम से आपके इंटरनल स्टोरेज में उसे सेव कर देती है। अब होता क्या है, डिफरेंस क्या आता है इसकी वजह से, तो देखिए आपका फ़ोन जो है 960 FPS पे अब रिकॉर्ड कर रहा है, यानी एक सेकेंड में वो 960 फ्रेम्स को रिकॉर्ड कर रहा है। अब सिर्फ रिकॉर्ड करने की बात नहीं है, उसे जो है आपके सर्किट तक पहुँचाना और उस 960 फ्रेम्स को एक सेकेंड में यहाँ पर सेव भी करना है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, अब सर्किट से कनेक्ट करते समय जो सेंसर को, सेंसर सर्किट से कनेक्ट किया जाता है कैमरा सेंसर को, तो मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं हो पाती है, जिस वजह से कि जो 960 फ्रेम्स एक सेकंड में वो तुरंत की तुरंत वहाँ पर रीड कर दिया जाए, वहाँ पर राइट कर दिया जाए, यानी सेव कर दिया जाए आपकी रिकॉर्डिंग को। इस वजह से जो सोनी ने क्या किया, अपने IMX345 जो सेंसर है उसमें डी रैम को इम्प्लीमेंट किया, जिससे क्या होता है कि डी रैम जो है आपके फ्रेम रेट जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसे जो है डी रैम में थोड़ी देर के लिए सेव रखती है, ताकि मतलब जो फ्रेम रेट्स आए जा रहे हैं जल्दी जल्दी उन्हें वो अपने पास स्टोर रखे, और जो सर्किट्स है, सर्किट से कनेक्शन जा रहा है मतलब बीच में डी रैम है, डी रैम का स्टोर कर लेती है थोड़ा, और जो सर्किट के पास जा रहा होता है फ्रेम रेट्स वो तो उसी स्पीड से जाते हैं, तो डी रैम क्या करता है कैप्चरिंग में हेल्प करता है। अब ये जो है बहुत ही कम समय के लिए आप 960 FPS को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डी रैम की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आपको मतलब जितना आप रिकॉर्ड करना चाहो उतने सारे फ्रेम भरती जाएगी ऐसा नहीं है। डी रैम की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, जिससे फिक्स्ड कैपेसिटी के बाद जो है आपका मतलब डिस्टॉर्ट होने लगेगी, वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, मे बी क्रैश भी हो सकता है आपका कैमरा एप्लीकेशन। तो इस वजह से डी रैम की वजह से ही आपको यहाँ पर 960 FPS में देखने को नहीं मिलता है, जो कि S9 Plus में आपको मिलता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस फ़ोन के नाइट मोड की। तो देखिए पोको ने क्या किया है, एक्चुअल में जो नाइट मोड है आपके पोको F1 में, वो अब आप नाइट मोड जब आप क्लिक करते हैं नाइट मोड में पिक्चर, तो वो थोड़ा मतलब टाइम लेती है, सर्कल उसका घूमता है, तो एक्चुअल में उस टाइम वो कर क्या रही होती है, वो आपके फ़ोन जो है डिफरेंट एक्सपोजर्स में, जैसे डार्क है कोई एरिया तो वहाँ एक्सपोजर बढ़ाकर वहाँ के डार्क एरिया को कैप्चर करती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पर एक्सपोजर कम कर
उस ब्राइड एरिया की डिटेल्स को भी कैप्चर करती है। ऐसी 8 पिक्चर्स वो एक बार में क्लिक करती है काफ़ी देर तक, और उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है जिससे कि आपको लो लाइट में अच्छी लाइटिंग देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ है आपको फिलहाल पोको ने इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करी है मेरे हिसाब से, क्योंकि नाइट मोड जो है अभी पोको से अगर आप कंपेयर करेंगे गूगल के पिक्सल कैमरास का जो उसमें पोर्ट करने के बाद आप यूज़ करते हैं, तो उनकी स्लो मोशन फुटेजेस ज़्यादा बेटर होती हैं। अब उसकी फुटेज आप देख लीजिए जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिक्सल की नाइट मोड और इसका खुद का नाइट मोड में कितना डिफरेंस है। तो इसके डिफरेंस के बाद आपको पता लग गया होगा अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, शाओमी को इस पर ध्यान देना है। और शाओमी ने अभी ये भी कहा 4K 60fps की रिकॉर्डिंग आपको इस फोन में फिलहाल देखने को मिलेगी बहुत जल्द, जिस पर कंपनी अभी काम कर रही है। और बस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर आपने ना मैंने आपको बताया तो डेफिनेटली यार चैनल थोड़ा बहुत तो रिजर्व करते हैं, ये सब्सक्राइब होना तो यार जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियोस में जो आपको दूँ तो आप जो है उसे देख लें तुरंत, और आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे, आपके फ़ोन जो अगर आपका डिवाइस है तो उसके बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी पता चलता रहे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो भी करना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई मैंने अपने वेबसाइट की, जहाँ पर जाके आप कूल टेक्निकल स्टफ्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप एक टेकी हैं काफ़ी पसंद करते हैं टेक कंटेंट को रीड करना, तो वो जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वेबसाइट को आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप वेबसाइट भी आपको पसंद आएगी, और मतलब कमेंट क्वेरी कुछ भी पूछना वो पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।